जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आप जानते होंगे कि बिहार के बक्सर में जो रेल दुर्घटना हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ज़्यादा गंभीर हैं, जिनको रेफर कर दिया गया है पटना एम्स, और 150 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। प्रश्न उठते हैं कि आखिर लगातार ऐसी दुर्घटना क्यों देखने को मिल रहा है? कभी कहीं घटना, कभी बिहार में तो कभी कहीं, लगातार रेलवे में इतनी लापरवाही। जैसा कि कहा जा रहा है, वहाँ पे जब मीडिया के साथी पहुँचते हैं तो एक स्टाफ के द्वारा बताया जाता है कि अचानक ट्रेन में ब्रेक लगता है और उसके बाद 6 पटरी से बोगी पलट जाता है। तो आप समझिए कि अचानक इस तरह की घटना जो हमेशा देखी जा रही है रेलवे में, इतनी बड़ी लापरवाही, जो बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं कि आखिर कब तक रेलवे में इतनी लापरवाही देखी जा रही है, कैसे घटना हो रहा है, आखिर कब तक ऐसी घटना देखने को मिलेगा? क्या व्यक्ति का उनके जीवन के साथ इस तरह की घटना हमेशा अगर देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं जिसके घर में घटना हुआ होगा, जो लोग मरे होंगे उनके परिवार में क्या स्थिति होगी। तो रेलवे में कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत ज़्यादा दिख रहा है और कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कई नेताओं के द्वारा प्रश्न भी उठाए गए हैं। कई लोगों का कहना है कि इस तरह का घटना बहुत ही लापरवाही का परिचय देता है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सभी के जीवन का एक मूल्य होता है। जो लोग रेलवे में इतने पैसे दे दे करके, और खास करके वैसे बोगी पलटे हैं जो आप समझ सकते हैं कि एसी बोगी है और जिसमें लोग बैठे होंगे, कितने महत्वपूर्ण लोग होंगे अपने जीवन में कितना उनका महत्वपूर्ण है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटना बार बार होना कितनी लापरवाही बरती जा रही है। उसी पे पप्पू यादव, बिहार के जाने माने नेता पप्पू यादव, वहाँ पे पहुँचते हैं घटनास्थल पे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कई सवाल सरकार पे खड़े किए हैं कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। तो आइए हम सीधा आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव के द्वारा इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा गया है। आइए हम सुनाते हैं। सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। कॉरिडोर क्या यार बात कर रहे हो आप, क्यों बात आप उससे कर रहे हो? इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के इम्पोर्टेंस को खत्म किया, पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था, उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है, अब रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है, तो ये घटना पर लगातार घट रही है, सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया जाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम भी देखिए ना आप, एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए और हर चीजों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए, कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीजों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती है। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को जरूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है। तो आप सिर्फ इससे पहले इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी? आज हाय तोबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देख कर अगर नहीं, पर निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की ओर आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूँ कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है, और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है। रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए जाना। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं? देखिए, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई
कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए, तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके ट्रैक कैसे आम दिनों की तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की जरूरत है। घायल कम से कम जितना उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की जरूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की। आप हर खबर के लिए बिहारी कलम को बेबाकी से देखते रहिए, हम हर मुद्दा सबसे पहले आप तक लाएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे भी नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।